सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, ये लाल वाला बटन दबा के साथ में इस बेल वाले आइकन पे भी टच कर दें ताकि आप देख सकें न्यू वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, DHZBaz में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप अपने मोबाइल नंबर से कैसे पता करें कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप कैसे पता करें कि आपके मोबाइल नंबर का रीवेरिफिकेशन हो गया है या नहीं, तो आप एक सिंपल तरीके से आप अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक नंबर डायल करना होगा। चलिए हम अपने चलते हैं फ़ोन के टॉयलेट पैड में। टॉयलेट पैड में आने के बाद आपको देख लीजिए एक नंबर डायल करना है। तो ये नंबर क्या है आप ध्यान से देख लीजिए, आपको यही नंबर डायल करना होगा। ये नंबर आप उस सिम से डायल करेंगे जिस सिम पर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारा इस सिम पर आधार कार्ड लिंक है कि नहीं, हमारा इस सिम का रीवेरिफिकेशन हो गया है या नहीं। तो चलिए हम चेक करते हैं। इसके लिए यहाँ से हम कॉल लगाते हैं। तो हम यहाँ से पहले नंबर से कॉल लगा देते हैं, चेक करके देखते हैं हमारा रीवेरिफिकेशन हो गया या नहीं। आइडिया की रीवेरिफिकेशन हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। हिंदी में जानकारी के लिए एक दबाएं। फॉर इंफॉर्मेशन इन इंग्लिश प्रेस टू। यदि आप भारतीय नागरिक हैं तो एक दबाएं, अन्यथा दो दबाएं। प्रिय ग्राहक, आप पहले से ही अपना मोबाइल नंबर रीवेरिफाई करा चुके हैं। आइडिया में कॉल करने के लिए धन्यवाद। तो आपको यहाँ बता दिया जाएगा कि आपके मोबाइल नंबर का रीवेरिफिकेशन हो गया है या नहीं। यदि आपके मोबाइल नंबर का रीवेरिफिकेशन नहीं हुआ है, आपके मोबाइल नंबर से आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ है, तो आप अपने आधार कार्ड को यहीं से लिंक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उस वीडियो को आप देख कर अपने मोबाइल का रीवेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से इस वीडियो को आप देखकर आप अपने मोबाइल नंबर का रीवेरिफिकेशन अपने घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं और एक सरल तरीके से, एक आसान तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो के बारे में कोई भी कमेंट हो, यदि आपको कोई भी समस्या हो तो वीडियो में ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें दोस्तों, ताकि मैं आप लोगों के लिए न्यू